सो गाइस काफी दिन से एक ही सवाल बहुत बार मेल पर आ रहा है कि क्या आपने मार्केट से एग्जिट ले लिया है क्या आप मार्केट को अभी फिलहाल के लिए छोड़ चुके हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था यह सवाल सबके दिमाग में है और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि हमको इस समय एग्जिट ले लेना चाहिए या फिर ये अभी भी एक प्रॉपर एंट्री का टाइम है क्यों और कैसे हर चीज को बताऊंगा साथ में एग्जैक्ट कब मार्केट उठेगा वो भी आपको समझा दूंगा और ये एक वाइज डिसीजन है या फिर नहीं हर चीज को डिटेल में समझाऊंगा शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो क्योंकि क्रिप्टो रिलेटेड सारे बेस्ट वीडियो आपको टाइम टाइम देते रहता हूँ स्टार्ट करते हैं वीडियो है ये लो दोस्तों मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या मैंने मार्केट से एग्जिट ले लिया यहाँ पर अगर आपको बताऊं करंटली बहुत सारे लोग ये सेम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ मेरे जो ट्रेड थे आपको लास्ट टाइम शेयर किया था कि मैं थोड़ा सा लॉस में हूँ बट वो ट्रेड सिर्फ लॉस में गया था उसके बाद वो वापस से प्रॉफिट में आया और यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया था उस ट्रेड से तो वहाँ मैंने लिखा था मार्केट से एग्जिट नहीं ट्रेड से एग्जिट लिया है सेकेंडली यहाँ पर बहुत सारे लोगों की सवाल है क्या इस समय मार्केट में हार्विंग हो गई है सब हो गया है मार्केट में पम्प

अब साइडवेज चलेगा उसके बाद मार्केट जो है रिकवरी करेगा अगर हम लोग बात करें यहां पे कितने दिन तक ये साइडवेज चलेगा अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो यहां से ट्वेंटी तारीख के आसपास। अगर होते हैं तो हम लोग करते वीक और टू वीक के अंदर जो जो है 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 अच्छा कासा रिकवरी कर लेता। पर पर आ रहा है ETF, इथेरियम का 23 को जो है यहां पर डिसीजन होगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे मार्केट में फिर से अप एंड डाउन वाली सिचुएशन चौदह जून को फिर से है तो मार्केट उसके बाद भी शायद साइडवेज हो सकता है वो डिपेंड करता है कि क्या डिसीजन आता है ये तो रही भाई करंट की बात अब मेन चलते हैं पास्ट में कि भाई ये बुल रैली क्यों नहीं आ रही है जबकि हालविंग हो गया है तो इसका भी सवाल का जवाब दे देता हूं अब यहां अगर हम लोग पुराने चार्ट्स की बात करें तो यहां पर 2016 की बात करते हैं जहां तो पर हमने देखा था कि जैसी हालविंग हुई मार्केट ने एक अच्छा डम दिखाया देन ये जो फेज है जो आप रेड में देख रहे हैं ये होता है एकोमुलेशन वाले दिन मतलब कि वेल्स फिर से एकोमुलेट करना शुरू करते हैं ड्रॉप में जो भी ये लोग पैसे जमा करते हैं या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट वाले पैसे हैं ये इन दिनों तक इन्वेस्ट होते हैं और उसके फिफ्टी टू सिक्सटी डेज बाद ही

एंड एंगइ बात करूंगा बिटगेट की यहाँ पे पुल एक्स के बारे में जहाँ पर आप स्टेक करके अच्छे खासे रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं जहाँ पर आपको लो कैप वाले कॉइन्स मिलते हैं और ये जो है आने वाले टाइम पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं यहां पर हम लोग देख सकते हैं अप टू जो एपीआर दिया है वो 12 परसेंट तक का दिया है मतलब आपको इन कॉइन्स को वैसे भी हम लोग होल्ड करते ही हैं और हमको पता है कि ये कॉइन कल को भागने वाले हैं क्योंकि एक स्मॉल कैप वाले जो भी टोकन जो पैसे लगा रहे हैं वो ऑब्वियस है कि बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं यहां पर कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो कि यहाँ नाइन्टी तक का भी ए देते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है यहां पर आपको कॉइन सेलेक्ट करना है और आपको जो है कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है प्राइस पूल में और उसके बाद रिजल्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा जिसमें अच्छे खासे तौर पे जो है प्रॉफिट हमको मिलता है और ऑलमोस्ट सबसे बढ़िया चीज है क्योंकि हम लोग वैसे भी इसको होल्ड करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट हमारे लिए बैठा हुआ है साथ ही में यहां बात करें लॉन्च पूल की तो ये भी सबसे बढ़िया है जो लोग अपने पास यूएसडी रखते हैं कुछ कॉइन्स रखते हैं वो लोग यहाँ पर सबसे बढ़िया यूज कर सकते हैं यहाँ पर जो अपकमिंग टोकन हैं जो कि लॉन्च होने वाले हैं लॉन्च पैड पूल से उनको जो है यहाँ फार्म कर सकते हैं जो कि अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है यहां पर अगर हम लोग बात करें करंट की तो एम e. चल रहा है जहां पर आपको कुछ नहीं करना है अगर आपके पास बी कॉइन है बिडगेट का तो यहां पर आप उसको स्टेक कर सकते हैं और आपको प्राइस पूल जो है जीरो पॉइंट थ्री वन आर मिलेगा यहां पर अगर आपके पास यूएसडी है तो आप उसको भी स्टेक कर सकते हैं जीरो जो है यहाँ मिलेगा वैसे ही सेम यहां पे ई का दिया है जो कि अभी हमने कुछ दिन पहले जिसके ऊपर बात की थी जहां पर सिक्स मिल रहा है आपको बी पूल पी पर और अगर यूएसडी कॉइन की बात करें तो फोर मतलब कि आपने जो भी होल्ड